जय जय श्री राम। ये है मेरे अवध के लोग, ये है हमारे भगवान श्री राम की अयोध्या। जितनी बार इनके मुख से भगवान राम का नाम निकलेगा उतनी बार हमारा संदेश सीधे स्वर्ग लोक तक पहुंचता है। क्या बात है, क्या बात है। शब्दों के जादूगर मैंने कहा, और अभी अभी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किए गए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। कमाल के लिरिक्स, कमाल के गीतकार, और प्लीज थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए, और फिर आपकी जो एसोसिएशन है आदि पुरुष के साथ उसकी बात भी करेंगे। सर, सम्मान मिला है, अवध का लड़का जो है वो ये सम्मान जीत के आया है, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत 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 आभार इस मिट्टी का जिसने बोलना सिखाया। जब मुझे लोग कहते हैं कि आप बोलते बड़ा अच्छा हैं, जब तारीफ करते हैं कि आप लिखते बड़ा अच्छा हैं, हर बार मेरा ध्यान चला जाता है मेरी अवध की तरफ, मेरी अवध की मिट्टी की तरफ, कि शायद दुनिया के किसी कोने में भाषा का इतना मर्म, भाषा का इतना रस लोग नहीं ले पाते, लोग नहीं जानते, जितना यहां बैठे हुए लोग समझते हैं। भाषा के जितने प्रेमी यहां हैं, मुझे लगता है पूरी दुनिया में कहीं और नहीं होंगे, मैं सच कह रहा हूं। अच्छा, देखिए एक चीज है, बाकी दुनिया में आप कहीं भी देखो तो लोगों को हिंदी सीखनी पड़ती है। भाई आप हिंदी सीखते हैं, उसमें कुछ उसके नुएंसेस हैं, कुछ बारीकियां हैं, कुछ उसमें तहदारी है, गहराई है। इस जोन के लोग, इस क्षेत्र के लोग, अवधपुरी के लोग, अवध प्रांत के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग, ये अपनी घुट्टी में जबान और भाषा लेके पैदा होते हैं, इनसे अच्छी भाषा कोई नहीं बोलता। तो नितिन, जब राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है तो मेरे पास जब सारे देश के न्यूज चैनल्स, सारे कैमराज आके खड़े हो जाते हैं, और एक सवाल पूछा गया मुझसे कि आप डेडिकेट किसको करेंगे, समर्पित किसको करेंगे, मैंने कहा उसको ही समर्पित करूंगा जिसने मुझे बोलना लिखना सिखाया है। मेरा नेशनल अवार्ड, मेरा राष्ट्रीय पुरस्कार मेरे शहर, मेरे नगर, मेरी मातृभूमि अमेठी गौरीगंज को समर्पित। क्या बात है सर, क्या बात है। और जैसा आपने अभी हिंदी की बात करी, जहां पे अवधवासी खड़े हो जाते हैं, ये हिंदी हम यूज करते हैं, ये इसका क्या, कहां से ओरिजिन क्या होगा, कहां से शुरुआत हुई होगी, मुझे बताइए। देखिए, जब हिंदी भाषा की बात आती है, और मैं ये बात कह रहा हूं ये जानते हुए कि जितने लोग यहां बैठे हैं आपको पता है, लेकिन मैं आपको याद दिला रहा हूं, होता क्या है, हम अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी हम अक्सर भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं हम कौन लोग हैं, हम अपने आप को साधारण समझने लगते हैं, मामूली समझने लगते हैं। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पूरे देश में मां हिंदी का बड़ा सम्मान है। कई स्टेट हैं, कई राज्य हैं जहां बेधड़क हिंदी बोली जाती है। आप चाहे बिहार ले लें, पूरा उत्तर प्रदेश ले लें, राजस्थान ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, पंजाब ले लें, हिंदी का बोलबाला है। लेकिन जो हिंदी फिल्मों की हिंदी है, जिसे हिंदी सिनेमा कहते हैं, क्या आपको पता है कि उस हिंदी के सूत्र कहां से जुड़ते हैं, उस हिंदी की बुनियाद ये अवध क्षेत्र है, यही अवध क्षेत्र पूरा बॉलीवुड चलाता है। ब्यूटीफुल, क्या बात। और आप तालियां बजा सकते हैं, मां हिंदी के लिए बजाएं, मेरे लिए नहीं, आपकी भाषा के लिए। जी नितिन, अब नितिन आप यार बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे थे अभी। मतलब मैं थोड़ी देर के लिए वहां बैठे बैठे मुझे लग रहा था कि ये तो गड़बड़ है, नितिन को इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, गलत बात है नितिन। मैं यहाँ पे एक किस्सा आपको बताना चाहूंगा। आज सरयू किनारे जब ये हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है, टीजर लॉन्च कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मेरा थोड़ा माइक बढ़ाएं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है पीछे तक आवाज नहीं जा रही। पीछे आवाज आ रही है मेरी? वाह, फिर ठीक है, फिर मैं बात करता हूं, क्योंकि ये जो लोग पीछे खड़े हुए हैं ना, ये आगे, ये सब बड़े लोग हैं, ये सब रिजर्व लोग हैं, इनकी बड़ी इज्जत करता हूं मैं, बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जो मेरे भाई बंधु हैं साहब पीछे वाली कतारों में है। और पूरी जिंदगी मैंने ऐसे आयोजनों में वहीं खड़े होकर शो देखा है जहां आप खड़े हुए हैं। मेरा एसोसिएशन इस फिल्म से क्यों है, मैं एक बात बताऊं, होता क्या है कि जब आप कोई फिल्म बनाते हैं या किसी फिल्म के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे आपके विचार होते हैं, बहुत सारी भावनाएं होती हैं, लेकिन श्रद्धा कि बल पे कोई पिक्चर नहीं बनाई जाती। मैंने 70 फिल्में लिखी हैं, 70 फिल्मों के गाने लिखे हैं, मुझे आज तक किसी ने यह क्राइटेरिया नहीं दिया कि अगर आप श्रद्धालु नहीं हैं, अगर आप इस सब्जेक्ट में श्रद्धा नहीं रखते तो कृपया आप इस पिक्चर से दूर रहें।
आदि पुरुष की जो पहली क्वालिटी है इस फिल्म की, इस फिल्म का जो पहला गुण है वो ये है कि जितने लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग जो अभी मंच पे आने वाले हैं ये सब सच्चे सनातनी हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि भगवान राम के बारे में बोलने का लिखने का उसको अधिकार नहीं है जो सनातन की मीमांसा में विश्वास नहीं रखता, जो सनातन को उसकी जड़ों में नहीं जानता, उसको हक नहीं है बोलने का, बात करने का। और नितिन इस फिल्म के बारे में एक बात और कहूंगा, कई फिल्में जब आप लिखते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई आपने अच्छा लिखा, बढ़िया है, आपको लिखना आता है। मेरे साथ भी हुआ, बहुत तारीफ की लोगों ने, यार आपने तेरी मिट्टी लिखा, आपने बाहुबली के डायलॉग्स लिखे, बाहुबली के गाने लिखे, सुन के अच्छा लगता है। लेकिन जब आप श्री राम के बारे में लिखते हैं, जब आप श्री राम से संबंधित कुछ लिखते हैं, तो आपको पता है कि ये आप नहीं लिख रहे हैं, ये कोई है जो कलम पकड़ के आपसे लिखवा रहा है, उसका काम है नाम खाली आपका हो रहा है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है। हमारे महाकवि ने कहा था कि राम तुम्हारा चरित्र ही कविता है। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए और कोई आ गया। नहीं, आपको कंप्लीट करना है जी जी। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि हो जाए सहज संभाव्य है। जब आप राम के बारे में लिखेंगे तो अच्छा ही लिखेंगे, यही होता आया है, यही होता रहेगा। और जब जब आप लिखेंगे वो कमाल लिखेंगे, खूबसूरत लिखेंगे और मिलता रहेगा, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं ऐसा होगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो सातों पुरियों में सबसे पावन पुरी है, यहां उपस्थित उस पुरी के स्वजनों को मेरा प्रणाम, फिर से वापस आऊंगा मैं। थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे कौन कौन है? इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना हैशटैग आदि पुरुष इन अयोध्या। रहे थे इतनी देर से, वो घड़ी फाइनली आ गई है और आदि पुरुष के जो कमाल के लोग हैं, कमाल के कलाकार हैं, वो यहां पहुंच चुके हैं। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। पूरी अयोध्या नगरी इस समय जिस भक्तिमय जोन में है, उसके लिए सारा का सारा श्रेय आप सबको जाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड इससे पहले कि मैं आप सबसे बातचीत करूं, और बड़े सारे सवाल हैं जो यहां श्री राम के जितने भक्त आए हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये दीप प्रज्वलित करें और इस शाम को आगे बढ़ाएं। और इसके बाद
वो सारे सरप्राइजेस आप सब के लिए जिनके लिए आप सब हमारे साथ जुड़े हैं सरयू के तट के किनारे श्री राम की नगरी में जुड़े हैं। शायद ही पिछले कुछ समय में सरयू तट पर इतना भव्य नजारा आप सबने देखा होगा। जैसा मैंने कहा, इसे सोक इन कीजिए, इसे महसूस कीजिए और इस पल को जीजिए, जिए हम सब आदि पुरुष की टीम के साथ। क्या बोल सकते हैं एक बार, जय जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम। और जैसा मैंने वो रामलीला वाला बताया था, बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, अयोध्या नगरी की, जय हो जय हो। वी आर हियर फॉर द टीजर लॉन्च लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन उससे पहले आप सबकी परमिशन से यहां पे आप लोगों के लिए ही एक सरप्राइज है, तो मेरी नजरें अब इस ओर कर लीजिए, बिकॉज जो बड़ा सरप्राइज है वो अब यहां सरयू के तट पे सरयू से ही निकलने वाला है। भगवान राम की नगरी में है, सरयू की बात ना करें, उन्हें वो इंपॉर्टेंस ना दें, ऐसा हो नहीं सकता। हमारे कमाल की कलाकार यहां पर हैं और अब आप जो देखेंगे इससे ज्यादा भव्य नजारा आपने पिछले कुछ समय में नहीं देखा होगा। तो हियर वी गो। स्टैटिक में ये हाल है, पोस्टर में ये हाल है, तो अब जब आप सबके समक्ष यहां पे हम वो टीजर प्रस्तुत करेंगे तो क्या होगा। थोड़ा एक्साइटमेंट पीछे वाले दिखा सकते हैं, मुझे पता है तरफ जो लोग चिल्ला रहे थे, अमेजिंग। सो हियर्स प्रेजेंटिंग आदि पुरुष एंड नाउ सर विथ योर काइंड परमिशन भूषण सर, इट्स फिट करें कि हम वो टीजर चलाएं और भारत की सारी भाषाओं की इज्जत करते हुए उनका सम्मान करते हुए। कांग्रेचुलेशंस ओम सर, आई विल स्टार्ट विथ यू, मैं आपसे शुरुआत करने वाला हूं। भूषण सर के साथ आखिरी बार वो ताना जी ने कमाल किया था, नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए और फिर आते हैं इस अगली ब्लॉकबस्टर पे। पवन पुत्र हनुमान की जय, सियाराम। सबसे पहले मैं
आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस पवित्र पावन धरती पर, अयोध्या की धरती पर आज हम सब यहाँ पे आए हैं। एक 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 मैं एक भक्त के नाते आया हूँ। आदि पुरुष ये फिल्म जरूर है, बट मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की गाथा पर ये हमने फिल्म बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं सारे अयोध्या वासियों का और मीडिया के भाइयों के तरफ से, पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में जहां जहां भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सबका बहुत ही आभारी हूं। और सबके सामने हाथ जोड़कर यही कहना चाहूंगा कि हमें आपका प्यार जरूर चाहिए, पर उसके साथ आपके आशीर्वाद भी चाहिए। आदि पुरुष ये सिर्फ फिल्म नहीं है, फिल्म जरूर है बट ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये एक एक भक्ति का प्रतीक है। आदि पुरुष हमारे लिए एक मिशन है, हमारे लिए एक पैशन है। हमने ये कोशिश की है सब लोगों ने मिलकर, हम बस बहुत ही कम लोग यहाँ पे स्टेज पर खड़े हैं, बहुत हमारे अलग जो लोग हैं जब फिल्म में काम कर रहे हैं यहाँ पे और मुंबई में भी है, हम सब की तरफ से हमने कोशिश की है। आप इसे जरूर सहारे। और ट्रेलर अच्छा लगा, टीजर अच्छा लगा कि नहीं? तो बस ऐसे ही प्यार रखिए और हम आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। भूषण सर, एक सवाल आपके लिए जी। कई सारी पिक्चरों की बात करते हैं, ब्लॉकबस्टर्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इमोशन है वो भक्ति का है, वो जोश जो अभी हमने यहाँ देखा है वो इससे पहले हमने कहीं नहीं देखा और ना ही ऐसा इवेंट देखा है। क्या ऐसी चीज थी जो ओम सर की इस विजन को आपने ये बैकिंग दी एंड आप इस फिल्म को सब तक लेके जा रहे हैं? सी, ये मेरे 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 पूज्य फादर श्री गुलशन कुमार जी, उनका डिवोशन को लेके, प्रभु राम को लेके, सब सारे चीज़ों डिवोशन को लेके इतना बड़ी श्रद्धा रही है, वो सब आई थिंक सब लोग जानते ही हैं। तो वो उनका इनका ड्रीम आज ये पूरा हो रहा है एंड ये उसी वजह से, जब ओम ने मुझे ये फिल्म बताई कि मुझे और कोई फिल्म नहीं बनानी है तानाजी के बाद, मुझे सबसे पहले ये प्रभु राम जी के ऊपर, रामायण की गाथा के ऊपर फिल्म बनानी है, तो मैंने एक सेकंड भी नहीं लगाया उनको हाँ बोलते हुए, क्योंकि ये मेरा नहीं, मेरे पापा का ड्रीम पूरा हो रहा है एंड उस चीज़ की मुझे बहुत 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 खुशी है। और आई थिंक माय फादर, मेरे पापा बहुत आज खुश होंगे देख के कि उनका ड्रीम आज इतने बड़े पैमाने पे फुल हुआ है। थैंक यू ओम, थैंक यू प्रभास कृति फॉर अपना इसमें इस तरीके की परफॉर्मेंस देने के लिए एंड हैट्स ऑफ टू एवरीवन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सर के साथ साथ पूरा भारतवर्ष जो है इस समय बहुत गर्व फील कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ सिनेमा नहीं है, ये एक भावना है, इमोशन है जो सबके सामने जाएगा। और जिस हिसाब से रिस्पांस मिला है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले कि मैं जानकी और राघव से बात करूं, मैं चाहूंगा एक चीज और बताइए, प्रभास सर के साथ जो आपकी वाइब है सर, वो बड़े कमाल की है। मतलब टॉप के प्रोड्यूसर, सबसे बड़े प्रोडक्शन स्टूडियो के हेड और सबसे बड़े सुपरस्टार, सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार, सर इस जोड़ी के बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे ज्यादा फिल्में हम प्रभास और हम भी साथ में कर रहे हैं, आई थिंक ये हमारी तीसरी फिल्म है, फिर अब चौथी भी हमारी ऑलरेडी हमारी लॉक हो चुकी है एंड मेनी मोर टू कम। तो बाकी आई थिंक प्रभास से आप पूछोगे तो ही विल टेल अस, बट आई तो लव वर्किंग विद हिम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ कृति सैनन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए। जो अभी हमने यहाँ बड़े पर्दे पर देखा बिल्कुल आसान नहीं है, और जिस तरह एक एक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश किया है आपने अपनी इस परफॉर्मेंस से, मैं कहूंगा वो भी आसान नहीं है। और अब आज जब ये टीजर सबके सामने आया है, इतना सारा प्यार मिल रहा है। सबसे पहले तो नमस्ते सबको, यहाँ पर नमस्ते से काम नहीं चलता है। जय सियाराम, जय सियाराम। थैंक यू, शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, शुक्रिया हमारे लिए इतना वक्त यहाँ पर वेट करने के लिए। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे कि हमसे थोड़ा लेट हो गया यहाँ पर आने में, गर्मी है, आप सब वेट कर रहे हैं, बट आई होप कि ये ट्रेलर टीज़र देखकर
थोड़ा बहुत जो हमने कॉम्पेंसेट किया हो शायद हुआ हो, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नवरात्रों का दिन है, दशहरा पास है, और आदि पुरुष जैसी फिल्म लेकर हम सरयू नदी के पास अयोध्या में आप सबके साथ हैं, और आई थिंक इससे शुभ मौका और इससे शुभ जगह हो नहीं सकती थी इस इवेंट के लिए. सो फर्स्टली थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हमारे लिए वेट करने के लिए. जहाँ तक कि ये फिल्म की बात है, आई थिंक मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ कि बहुत कम एक्टर्स को ऐसा मौका मिलता है ऐसी पिक्चर का एक हिस्सा बनने का, ऐसा एक किरदार करने का अपनी लाइफ में. मुझे तो बहुत जल्दी मिल गया है, एंड आई रियली वांट टू थैंक भूषण सर, ओम, रियली थैंक यू कि मुझे आपने जानकी के काबिल समझा. बहुत ही आई थिंक मेमोरेबल रोल है ये मेरे लिए, मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा. और कुछ ऐसे किरदार होते हैं जिनसे आप बहुत जुड़ जाते हैं, और मुझे याद है कि लास्ट डे जो था मेरा जानकी के साथ, मतलब मैं बहुत इमोशनल थी क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था छोड़ने का. एंड बहुत ही एक सपने जैसा एक्सपीरियंस होता है ना, वैसा रहा है ये मेरे लिए. और आई जस्ट होप कि मैं आप लोगों को निराश ना करूं, आई होप आप मुझे पसंद करें इस किरदार में. ये कहानी जो है हम सब देख चुके हैं, सुन चुके हैं, जानते हैं, इन किरदारों को हम जानते हैं, पूछते हैं. पर मुझे लगता है कि बचपन में मैंने कभी टीवी पर शायद रामायण देखा था, कहानियों में सुना, कभी दादी ने नानी ने सुनाया थोड़ा, लेकिन एक जो विजुअल मेमोरी होती है ना जब हम कुछ देखते हैं पर्दे पर, तो वो हम लोगों को ज़्यादा याद रहती है. तो आई रियली फील कि सब बच्चों को अपनी परिवार के साथ जाकर ये कहानी, ये पिक्चर देखनी चाहिए. ये हमारे इतिहास का बहुत बहुत अहम हिस्सा है, और ये कहानी सबको मालूम होनी चाहिए अगर नहीं है. और जिस तरह ओम जी ने ये कहानी बनाई है और पर्दे पर दिखाई है, मुझे लगता है आप सबको ये बड़े पर्दे पर बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा. सो प्लीज़ थैंक यू यहाँ आने के लिए, हमें प्यार देने के लिए. लेकिन अभी ये शुरुआत है, तो प्लीज़ अपना प्यार देते रहिए, और शुक्रिया. बहुत बहुत धन्यवाद कृति, थैंक यू सो मच. एंड नाउ बात करेंगे राघव से, तो एक बार जोरदार ताली हो जाए प्रभास सर के लिए. वेलकम सर, वेलकम टू अयोध्या, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड इट्स सो गुड टू बी इन दिस, यू नो ये प्रेजेंस ही काफी है. यू नो यू प्लेड अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, उनको एस किया है आपने, लेकिन राघव एक किरदार नहीं है, इट्स एन इमोशन. How was it playing Raghav, sir? Please share with all of us. Jai Shri Ram. Adi Purush Promotions ke liye hum yahan Ayodhya aaye hain Shri Ram ji ka aashirwad lene. So I was really frightened to do this character. I called Om after 3 days. If I do some mistake, and it'll be a. Yeah. So okay. With lot of love and respect and fear, we did this film. Ab bas Shri Ram ji ki kripa hai. Jai Shri Ram. धन्यवाद सर, धन्यवाद प्रभात सर. मैं आ रहा हूँ, जल्द आ रहा हूँ, ऑफ कोर्स ये गूंजेगा. हम सब चाहते थे, ओम सर मैं बताना चाहता हूँ, जितनी बार टीजर चल रहा था बस ये लग रहा था थोड़ा सा और आगे का इस बार चल जाए. इसीलिए तो टीजर कहते हैं, इसीलिए टीजर कहते हैं ना जी. बिल्कुल, थोड़ा दिखा दिया, थोड़ा रोक दिया जी. अब थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, फिर बाद में देखो. नहीं सर, लेकिन आप नहीं रुकने वाले हैं, मुझे पता है. ये सिर्फ यहाँ अयोध्या नगरी तक सीमित नहीं है, इसके बाद एक और बहुत बड़ा समारोह होने वाला है, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें, बिकॉज एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट. अरे ये सब बोलने का नहीं है स्टेज के साथ. चलो आपने बोला है तो बोल ही देते हैं. हम दशहरे के दिन रामलीला मैदान में दिल्ली में रहेंगे, जहां पे
जहाँ पे रावण दहन होता है वहाँ पे प्रभास जी रहने वाले हैं और वहाँ पे हम वो, अरे ऐसा सब बोलने का नहीं रे, वो बाद में आता है, बाद में आता है सर। मैंने कहा ना आप रुकने वाले नहीं है और हर कोई बस उसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्रभास सर, आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू एंड द लास्ट वन फॉर यू। प्लीज टेल अस व्हाट इज दैट वन थिंग और वन क्वालिटी दैट यू फील जो राघव से इम्बाइब करनी चाहिए आपको। डेडिकेशन, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, बट या ऑल ह्यूमंस आर ट्राइंग टू डू फॉर सेंचुरीज बट वी आर स्टिल ह्यूमंस एंड इज गॉड। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आदि पुरुष, लेडीज एंड जेंटलमैन, बुराई पर अच्छाई और सच्चाई की जीत का प्रतीक। ये फिल्म जब आएगी तो देखिए क्या होगा, हम सबको बहुत गर्व फील होगा। लेकिन फिलहाल बारी है एक फोटो ऑप की। जी हाँ, मुझे पता है हमारे जो भाई लोग हैं यहाँ, दे आर वेटिंग फॉर इट, सो इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप।
मान जी कुछ कहना चाहते हैं, हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद इस पूरे टीम को, अद्भुत अकल्पनीय है, जिसको लेकर देश और दुनिया की नजर अयोध्या पर टिकी रहती है। ये वही राम की पैरी है जहां पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज लाखों दीपों से पूरे विश्व को दीपमय करते हैं। और आज आप लोगों ने जिस प्रकार से इस फिल्मी जगत को धर्म नगरी अयोध्या, भगवान राम की जन्म धरती अयोध्या पे आप लोगों ने जिस प्रकार से उतारा है, इसके नाते अयोध्या वासी के तरफ से, अयोध्या के प्रशासन के तरफ से और साधु संतों के तरफ से इस आदि पुरुष को ढेर सारा आशीर्वाद और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और ऐसा हो नहीं सकता कि मनोज सर यहाँ हो और मैं उनसे गुजारिश ना करूं कि वो हमसे कुछ शेयर करें। सर मैं आपसे बात कर चुका हूँ, बहुत बड़े बड़े यहाँ विख्यात लोग मंच पे हैं, मैं किसी को इंतजार नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। मैंने आपसे कहा था कि इस फिल्म से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनकी पहली खूबी, पहली विशेषता ये है कि सब सनातनी हैं, सब श्री राम के चरणों में श्रद्धा रखते हैं, सब श्री राम में विश्वास करते हैं। और कौन श्री राम? सर्व बुराई के दस हैं, शस्त्र सारे बेबस हैं, जिसपे जिम्मेदारी है तू ही वो अवतारी है। ये घड़ी ये पल है तेरा, तेरे सच में बल है तेरा, हे रघुनंदन अब क्या शंका, मार द रावण जीत ले लंका। जय श्री राम। साथ ही संदीप पाटिल जी को भी शुक्रिया कहना चाहेंगे। संदीप सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। है हमारे साथ संदीप जी, वो वहीं से ही इज लाइक मैं बहुत खुश हूं, मुझे बहुत अच्छा लगा टीजर, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पे जितने भी मंच पे हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूंगा, आप लोग यहां पर आए और इस शाम को आपने इतना खूबसूरत बनाया। एक बार वापस से अयोध्या नगरी के सभी लोगों, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच।